बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हमारी बात रुकी थी कहाँ पर, हार्मोनिक मीन पर। और हार्मोनिक मीन हमने अनग्रुप डेटा का डिस्कवर कर लिया था। अब हम हार्मोनिक मीन पे बात करने जा रहे हैं ग्रुप डेटा की। आपको ग्रुप डेटा का आइडिया तो प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन कोई इशू नहीं, हम इसको जरा एक दफ़ा फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाएं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो बीच में गैप दे देते हैं, क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करते, ये इसका मैंने मेरे ख्याल से बेटा ज्योमेट्रिक मीन किया होगा ना फाजुल भाई, बेटा इसका मैंने ज्योमेट्रिक मीन करवाया होगा ना आपको, हार्मोनिक मीन तो नहीं करवाया शायद, या मैंने इसका हार्मोनिक मीन भी करवा दिया लास्ट क्लास। मेरे हिसाब से मैंने शायद ज्योमेट्रिक मीन करवाया था, डेटा सेम है, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया था मैंने, इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, तो अभी बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, सॉरी हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो ना सबसे पहला काम क्या करना है, हमें वर्कआउट करनी है मिड क्लास, ताकि हम एक्स को बतौर जो डेटा हमारा इंटरवल्स में, उसको हम सिंगल वैल्यू के तौर पर एक्सप्रेस कर सकें। तो मिड क्लास क्या आएगी हमारे पास, 0 + 4 / 2 आंसर 2 हो जाएगा। और साइज चल रहा है 5 5 का, तो फिर आप हिसाब लगा लें, 2 7 उसके बाद 12 उसके बाद 17 एंड उसके बाद 22। मिड क्लास निकालना आती है ना सबको बेटा। अच्छा जी, अब आप समझते हैं जनाब कि आपको एक कॉलम चाहिए कौन सा, एफ अपॉन एक्स का। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 / 2, ये क्यों बेटा, याद है या भूल चुके, बताया था ना, अगर जो क्लास इंटरवल है 0 से लेके 4 तक का, उसको हम सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करें 2 से, तो उसका मतलब ये होगा 2 डेटा में कितनी बार है, 5 बार। यस और नो बताइए बेटा, एक एक बात को समझ समझ के कीजिए कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रट्टा लगाइए कि एफ अपॉन एक्स करना, मतलब डेटा में 2 कितनी बार है, फिर 5 बार है, डेटा में 7 कितनी बार है, फिर 8 बार है, डेटा में 12 कितनी बार है, 12 बार है, डेटा में 17 कितनी बार है, 10 बार है, डेटा में 22 कितनी बार है, 3 बार है। एक्चुअल नहीं है, लेकिन वो मिड क्लास निकालने के बाद ऑन एवरेज कह सकते हैं इसको। तो लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा बता दूं मैं, कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मुझे ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल चाहिए। तो अगर मैं 1/2 को लिखता हूँ कितनी बार, 5 बार, क्योंकि डेटा में 2 अगर 5 बार है, तो मुझे 2 का 5 बार रेसिप्रोकल चाहिए, तो मुझे 5 बार 1/2 लिखना पड़ेगा। और जब हम जानते हैं डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सारे न्यूमिनेटर आपस में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये आंसर 5/2 बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट एफ अपॉन एक्स लिया और 5/2 कर दिया, यस और नो। ये सारी बातें याद है या भूल चुके हैं बेटा, ये लास्ट क्लास में बड़ी तफसील से आपको समझाई है सारी बात। अच्छा जी, उसके बाद 8/7, उसके बाद 12/12, उसके बाद 10/17, और उसके बाद 3/22। अब इनके जो भी आंसर आएंगे क्या कर दें, आप सम कर दें। तो क्या क्या है, 5/2 + 8/7 + 12/12 + 10/17 + 3/22। टोटल सम आपसे मांगा था, इतनी देर लगा दी आप लोगों ने बेटा, क्या यही समय आपके पास, बताइए, वेरीफाई कीजिए। 5.36745,
जवाब दें। 5 6 है ना, तो राउंड करके 7 6 बनेगा बेटा। ये 5.36745 है ना, और आगे 6 है, तो अगर इसकी राउंडिंग करेंगे तो क्या बनेगा ये, फिर 4 6 बन जाएगा। फाइव पॉइंट थ्री सिक्स सेवन फोर सिक्स राउंड करके। अब अप्लाई कर दें आप फार्मूला किसका, जो हार्मोनिक मीन का अप्लाई करेंगे फार्मूला, हार्मोनिक मीन का। तो ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का, हार्मोनिक मीन बराबर है किसके, समेशन एफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 38 है, ठीक है जी, और रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 5.36746। तो 38 को डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या है आपके पास 7.0797। इसको राउंड करेंगे तो क्या बनेगा 7.07 पॉइंट, क्योंकि 7 9 है ना, तो 9 को राउंड कीजिए ना आगे, तो वो उसको क्या बना देगा 8 बना देगा, तो आंसर क्या बन जाएगा 7.08, यानी इस डेटा का हार्मोनिक मीन 7.08 है। यस और नो, जवाब दें। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सब लोगों को? ऐसा ही है। तो ये मैंने आपके सामने ग्रुप डेटा भी सॉल्व कर दिया, अब आप बताइए आप लोगों ने होमवर्क किया या नहीं किया। नहीं करेंगे तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। अच्छा जी, सवाल क्या आया, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या प्रॉब्लम था बताइए अब मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मसला है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बात चल रही थी मेरे ख्याल से। सब लोग एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें सब लोग जरा अपने पास, सबके पास सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9। क्या सबके सामने क्वेश्चन नंबर 9 विजिबल है बेटा? चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं,
ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रक नंबर दिया हुआ है और हर ट्रक के बारे में बताया गया है कि वो कितना उसने क्या कहते हैं माइलेज कवर किया हुआ है, कितनी लाइफ उसने उसकी इस्तेमाल हुई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो पहला जो ट्रक है वो उसका जो आपके पास जो है 23 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 20, फिर चौथा ट्रक 18, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर उसके बाद 38, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 27। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब मेरा सवाल ये, चलें ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई इशू नहीं, इसको डिस्कस कर लें, इसके कोई रीजन है मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कितना डिटेल में समझाया था। अब ये दो कॉलम है बेटा, बराए मेहरबानी दो दो कॉलम से आप धोखा मत खाइएगा, प्लीज दो कॉलम से आप धोखा मत खाइएगा। ये मत समझिएगा कि पहला कॉलम एक्स है और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको ये पहचान होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या है। सबसे पहले आप देखें एंटिटी क्या है, डेटा किस चीज का कलेक्ट हुआ है। तो एंटिटी ये यहाँ पे ट्रक है, और ट्रक के मुताल्लिक जो इंफॉर्मेशन ली गई है कि हर ट्रक कितना चला हुआ है, उसने कितना माइलेज कवर किया हुआ है, तो ये हमारे लिए वेरिएबल है। ये सोनो बताइए, तो ये जो किलोमीटर ड्रिवन है ना, ये हमारे लिए वेरिएबल है। ये जो ट्रक नंबर है ये वेरिएबल नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, ये तो एक सीरियल नंबर लगा हुआ है, पहला ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, जिसको हमने बतौर ऑब्जर्वेशन क्या किया, कंसीडर किया। तो बेटा वेरिएबल एक्स ये है और ये अनग्रुप डेटा है, और इसमें हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो क्या है कि पहला ट्रक जो है वो 23 किलोमीटर, लेकिन ऊपर लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 100, तो इन रियलिटी ये 23 नहीं है, इन रियलिटी ये 2300 है। दूसरा ट्रक 3400 किलोमीटर चला हुआ है, तीसरा 2000 किलोमीटर, फिर 1800, फिर 3000, फिर 3000, फिर 3000। यानी अगर आप इनको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इनकी असल वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। सब में से 100 कॉमन लिया हुआ है, 3800, 2500, 2700, जवाब दें। तो इसका हमने कहा था कि भाई आप अर्थमेटिक मीन भी निकाल लें, कहा था इसका ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लें, कहा था इसका आप क्या कर लें हार्मोनिक मीन भी निकाल लें सेम डेटा का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब आपके सामने है डेटा, पूरा आपके सामने मौजूद है, आप एक एक आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पर क्या कर लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। 23 प्लस 34 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, उसके बाद 38, फिर 25, फिर 27। ये क्या है बेटा, 27.5 क्या है, 27.55 जो है वो तमाम ट्रक्स जितने किलोमीटर्स चले हैं उन सब का समय। तो अगर हम ट्रक की लाइफ इन टर्म्स ऑफ माइलेज तकसीम कर दें बराबर बराबर तमाम ट्रक्स में, डिवाइड बाय 10 कर, तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन। और वो अर्थमेटिक मीन क्या है इसका, ठीक है जी, 275 सम ऑफ एक्स आ गया, इसको डिवाइड बाय 10 किया तो आंसर 27.5 आ गया।
ये क्या बन गया आपके सामने, अर्थमेटिक मीन बन गया। अच्छा फिर वही बात, अगर ऑप्शन एग्जाम में लिखा हो ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव 2750 बोथ ए एंड बी और डी नन, आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे बताइए। चलिए थोड़ा सा एक अमेंडमेंट कर लेता हूँ मैं इसको। शायद कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, अब भी ऑप्शन की तरफ जाएंगे बेटा, क्योंकि ओरिजिनल तमाम वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 थी, तो असल माइलेजेस जो थी वो 2300, 3400, 2000, 1800 ये थी ना असल वैल्यूज, तो हमने 100 कॉमन लिया हुआ था। तो अगर एग्जामिनर फाइनल आंसर जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद देता तो हमें उसी आंसर की तरफ जाना चाहिए, 2750 बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने बातें रख रहा हूँ मुस्तकिल, देखें ये छोटी 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 बातें इनको इग्नोर ना करें। अच्छा जी, उसके बाद इसका ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन आप डायरेक्ट निकाल लें शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से, शॉर्टकट फॉर्मूले से वेरीफाई कर लें ज्योमेट्रिक मीन। 23 मल्टीप्लाइड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 38 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 27। एक आंसर आ गया, इस पे पावर क्या लगा दिया आपने, 1/10। तो आंसर आपके पास क्या है, 26.85। तो इसी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, 26.85। राउंड नहीं करना इसको, 26.85 फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद दो डिजिट लें जब तक के एग्जाम ने आपको राउंड करने का ना बोले। ठीक है जी, क्या आपके पास यही आंसर था, बोलिए जवाब दीजिए। चलें ओके, उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन वर्कआउट कर लीजिए, 1/23 प्लस 1/34 प्लस 1/20 प्लस 1/18 1/30 प्लस 1/30 1/30 1/38 1/25 चला अभी सम नहीं हो पा रहा, इसको पहले टोटल कर लूंगा फिर आखिरी बार इसको प्लस कर दूंगा, प्लस
प्लस वन अपॉन 27, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 0.38179840 76, और 10 आपका ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड हुआ क्या कर दिया आपने, आंसर कर दिया 26.19। तो 26.19 क्या बन गया बेटा इसका, हार्मोनिक मीन बन गया। क्या प्रूव हुआ, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, यस और नो बताइए। ऐसे ही ना, लेकिन हम इसको इस तरह लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। क्या मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्यों लगाया मैंने, ग्रेटर देन का साइन क्यों नहीं लगाया, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा ऑब्जर्वेशन में, क्या लिखा मैंने, 6 को कितनी बार लिख दिया बताइए, 6 को कितनी बार लिख दिया, रिस्पॉन्स करें, 6 को कितनी बार लिख दिया, 6 दफा लिख दिया। तो अगर 6 का 6 बार सम करें तो आंसर क्या होगा, छे का 6 बार सम करें तो आंसर क्या होगा, थर्टी सिक्स होगा ना। तो 36 डिवाइड बाय 6, आंसर इज 6। जब डेटा कांस्टेंट है तो उसका मीन वही कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। अच्छा जी, ये तो इसका निकाला हमने जो अर्थमेटिक मीन, अब एक काम करते हैं इसका निकाल लेते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। 6 मल्टीप्लाई बाय 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 6 की पावर 1/6, तो इसका आंसर भी 6 ही आएगा, चेक कर लें आप कैसे भाई, 6 को 6 बार मल्टीप्लाई करें तो 6 की पावर 6 आ गई, होल पावर क्या हो गई 1/6 हो गई, पावर पे पावर क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जवाब दो। तो जब 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई होती है 1/6 से, तो 6 से 6 क्या होता है कैंसिल होता है, लिहाजा इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या बनता है, 6 ही बनता है। आप सबका रिस्पांस चाहिए बेटा, जवाब दे दें। अच्छा जी, अब अगर आप निकालना चाहते हैं इसका हार्मोनिक मीन, तो आप इसका निकाल लें रेसिप्रोकल 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6, तो क्या टोटल क्या बनेगा इसका आप सब जानते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सारे क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे, तो मतलब इसका आंसर क्या बनेगा 6/6, और 6/6 क्या होगा 1 के बराबर होगा। मतलब अब हार्मोनिक मीन का अगर फार्मूला अप्लाई कर दें तो हार्मोनिक मीन किसके बराबर है, एन डिवाइड बाय समेशन 1/x के। तो आप बताइए ऑब्जर्वेशन 6 हैं और रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो आंसर क्या बना 6 बना ना।
इसका मतलब क्या हुआ, ये वो केस केस है जिसमें अर्थमेटिक मीन बराबर आया किसके, ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन बराबर आया किसके, हार्मोनिक मीन के, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब इन तीनों के आंसर सेम होने की भी गुंजाइश है। तो ऊपर हमने टर्म क्या इस्तेमाल की, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों बोला, मतलब आम हालात में तो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा, लेकिन जब डेटा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो फिर ये सब सब वैल्यूज क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। सारी बातें याद रहेंगी आप लोगों को, बताइए। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई बेटा, इन सब का रिलेशनशिप समझ में आया आपको, बता दीजिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, देखें अगर आप लाभ, अब यहाँ पर दूर से बैठ के क्लासेस हो रही हैं, चेक एंड बैलेंस तो आपका है नहीं कोई, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा कैमरा खोलो, रजिस्टर चेक करवाओ मुझे, फिर क्या होगा आप लोगों का, यह रजिस्टर अप टू डेट होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, सारे काम उसमें मुकम्मल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 का हार्मोनिक में फाइंड करना, उसमें जीरो है, जीरो उसमें जीरो है, तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। जीरो आप किसी भी नंबर को जब डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, आंसर उसका अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो लिहाजा वो आपकी सारी कैलकुलेशन को मुतासर कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, जिस ऑब्जर्वेशन, जिस डेटा में जीरो आ जाता है, कहां पर, ऑब्जर्वेशन के अंदर, उसका दो चीजें निकालना मुश्किल हो जाती हैं, एक उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना भी मुश्किल है और उसका हार्मोनिक मीन निकालना भी मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जब आप जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम ऑब्जर्वेशन से शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करके, तो क्या होगा बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बस यही मामला है इसके अंदर। तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि जिस डेटा में जीरो ऑब्जर्वेशन होगी उस डेटा का ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसका जवाब होगा नॉट पॉसिबल। हाँ, अब इंटरनेट के ऊपर या डिफरेंट जगहों पर जबरदस्ती वाले फार्मूले हैं कि जबरदस्ती कोई निकालना चाहे तो निकाल ले, उसमें उस ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करके निकाल ले, सही है। तो बाज लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करके निकालते हैं। जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं जीरो का सम जीरो ही होता है ना, अगर कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हुई, ठीक है, हाँ हो सकती है, जाहिर सी बात है, तो ये बात भी आपकी ठीक है, इसमें भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, सही बात है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने बातें रख दी। तो जहां पर आपके पास क्या दिखे ऑब्जर्वेशन में जीरो आ जाए, तो आप ये बोलेंगे कि जनाब इसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लॉग जीरो भी डिफाइन नहीं होगा, और क्या कहते हैं जनाब, जब आप उसको शॉर्टकट फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप आंसर वर्कआउट नहीं कर पा रहे होंगे, ओके, करेक्ट। सही है, अच्छा जी अब्दुल्ला, मेरे ख्याल से नेगेटिव ऑब्जर्वेशन में आप हार्मोनिक मीन तो निकाल सकते हैं शायद, क्योंकि नेगेटिव में आप रेसिप्रोकल तो निकाल लेंगे ना, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन का इसका कोई इशू नहीं, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन में हार्मोनिक मीन तो निकल आएगा, बाकी अब आप ये चेक करें कि नेगेटिव ऑब्जर्वेशन का आप लॉग डिफाइन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो ये बात हम आगे पे छोड़ देते हैं, जरा आप कुछ तजर्बे करके आ जाएं, फिर इस पर बात करते हैं मजीद, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये हमारी सारी गुफ्तगू, ये जो पिछला काम था उसमें मुकम्मल हुई, अब काम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा आगे, मजीद बातें ऐड करें, आप लोग तैयार हैं। तो हमने मीन की तीनों टाइप्स देख ली, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, लेकिन एवरेजेस अभी कंप्लीट होना बाकी है, आप सब जानते हैं,
और वो एवरेजेस कौन कौन सी हैं। मीन तो हो गया और मीन की तीनों टाइप्स भी हो गई। अब क्या आया हमारे पास, अब आएगा हमारे पास मीडियान। तो बात करें मीडियन तो नेक्स्ट हमारे पास जो 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 एवरेज है उसका नाम क्या है, मीडियन। मीडियन पे बात शुरू करते हैं। हाँ जी, किसी को पता है व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या है? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ डेटा फ्रॉम एन अरेंज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, क्या मतलब? डेटा की मिडिल मोस्ट वैल्यू है, लेकिन शर्त यह कि इस मिडिल मोस्ट वैल्यू को निकालने के लिए आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ डेटा फ्रॉम एन अरेंज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, इट डिवाइड्स द डेटा इन टू इक्वल हाफ्स। क्या करता है मीडियन? क्या करता है, डेटा को बिल्कुल दो हिस्सों में बराबर बराबर तोड़ देता है। बेटा अब्दुल्ला बिल्कुल सही कहा आपने, मीडियन एक स्कोर है जो डेटा को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ डेटा दैट डिवाइड्स दैट टू इक्वल दैट डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स, ये टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, जो डेटा को ब्रेक कर देता है कितने हिस्सों में, दो हिस्सों। सही है ना? ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर एक दो बातें और ऐड करूंगा मैं। यहाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पर एक आपके सामने कुछ डेटा रखते हैं, एक क्वेश्चन रख देते हैं। ट्वेंटी ट्वेल्व टेन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू सेवेंटीन इलेवन एंड एटीन। बेटा बताइए कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? सात हैं। सात को हम ऑड बोलेंगे, इवन बोलेंगे। अच्छा, इट मींस दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, यस और नो? ऐसे ही है ना। अच्छा, अब होता यह है कि बाज लोग क्या करते हैं कि मीडियन कैलकुलेट करते वक्त वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो डेटा उनको दिया गया है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है ऑड है, तो
तो वो दो अलग अलग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक ही फार्मूले से काम चला लेंगे, ये दो अलग अलग फार्मूले के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम एक ही फार्मूला यूज करेंगे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, सही है बेटा। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब के अंदर इवन और ऑड की तकसीम होगी, तो मैं नहीं चाहता वो इवन और ऑड के चक्कर में पढ़ो आपको लेके जाऊं, तो एक ही फार्मूला यूज करके जान छुड़ा देते हैं, सही है, जवाब दीजिए। जब भी आप किसी डेटा का मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्टेप नंबर वन क्या फॉलो करना है, स्टेप नंबर वन, अगर आप ऊपर पढ़ें डेफिनेशन तो आपको ये डेफिनेशन में स्टेप नजर आएगा कि मीडियन निकालने के लिए डेटा का अरेंज होना जरूरी है। ये स्टेप मत भूलिएगा वरना आपका आंसर खराब हो जाएगा, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, बताइए डेटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, बोलिए सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 10 है। अच्छा डेटा बड़ा होगा तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको एक टेक्निक सिखाई थी, ये तो बहुत छोटा डेटा है इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब डेटा लार्ज होगा थोड़ा ज्यादा 30 से 40 ऑब्जर्वेशन होंगी तब भी आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए टेक्निक सिखाई थी, उस टेक्निक का नाम क्या है, स्टेम एंड लीफ, याद है ना बेटा। हाँ बेटा डिसेंडिंग अब्दुल्ला डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीधा सोचें यार ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें तब भी आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर लें डिसेंडिंग ऑर्डर लें, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। 10 के बाद, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 है डेटा में, ओके 12 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 22 और 22 के बाद 25, ठीक है जवाब दें। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डेटा की फर्स्ट वैल्यू क्या है तो आपका जवाब क्या होगा, जबरदस्त। अगर मैं बोलूं डेटा की सेकंड वैल्यू क्या है तो आपका जवाब क्या होगा, अगर मैं बोलूं डेटा की थर्ड वैल्यू क्या है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, यानी इन 7 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हमारे लिए क्या है, मीडियन। कौन सी वैल्यू मीडियन है, जो बिल्कुल बीच में मौजूद है, वो वैल्यू जिससे डेटा एग्जैक्टली हमें दो हिस्सों में टूटता हुआ दिखाई देता है। तो मीडियन जो है वो एक लोकेशन है, मीडियन क्या है, लोकेशन है। तो एक चीज बताऊं मैं आपको, इट इज लोकेशन ऑफ डेटा, मीडियन डेटा की वो लोकेशन है जहां से डेटा हमें एग्जैक्टली कितने हिस्सों में टूटता हुआ दिखाई देगा, दो हिस्सों में। मीडियन इज द लोकेशन ऑफ डेटा,
सही है, यस और नो बताइए, जवाब दीजिए। मेरी गुफ्तगू आपको समझ में आ रही है सारी की सारी या नहीं? अच्छा जी, अब इसका फॉर्मूला क्या है? ये स्टेप टू है। स्टेप वन क्या था? स्टेप वन क्या था? डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप टू क्या है? फार्मूला वर्कआउट करना। तो आपने कहा मीडियन कौन से डेटा का? अनग्रुप डेटा का। इज इक्वल्स टू व्हाट? एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। टीएच वैल्यू, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेवन। सेवन प्लस वन क्या होगा? एट डिवाइड बाय टू। तो जब एट डिवाइड बाय टू करें तो आंसर क्या बनेगा? फोर बनेगा ना। तो फोर्थ वैल्यू, डेटा की फोर्थ वैल्यू मीडियन है। और आप बता दीजिए अब फोर्थ वैल्यू डेटा में क्या है हमारे पास? 17। तो जो फोर्थ वैल्यू है मीडियन है, और फोर्थ वैल्यू क्या है ऑब्जर्वेशन में? 17। तो लिहाजा सीक्वेंस के लिहाज से जो फोर्थ वैल्यू थी वही हमारा मीडियन थी, और वही वो मिडिल वैल्यू है, वही वो लोकेशन है जहां से डेटा एग्जैक्टली हमें दो हिस्सों में ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है। लेट्स प्रूफ। इसका हमारे पास एक और प्रूफ भी है, और अगर डेटा अरेंज किया हुआ दिया हो तो मीडियन निकालने का बड़ा आसान फार्मूला, एक और फार्मूला, जुगाड़ी फार्मूला है। हम पाकिस्तानी जुगाड़ के बगैर रह नहीं सकते। बताइए फर्स्ट वैल्यू क्या है? बताइए फर्स्ट वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू 10, कैंसिल। बताइए लास्ट वैल्यू क्या है? 10। मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट से आप सेंटर की तरफ आइए। बताइए सेकंड वैल्यू क्या है? कैंसिल। बताइए सेकंड लास्ट वैल्यू क्या है? बताइए थर्ड वैल्यू क्या है? बताइए थर्ड लास्ट वैल्यू क्या है? तो जब मैंने क्या किया, दोनों एंड से, एंड मतलब एक फर्स्ट वैल्यू और एक लास्ट वैल्यू, जब मैंने दोनों एंड से सेंटर की तरफ क्या किया, डिस्टेंस कवर करना शुरू किया, तो मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा हो गया जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पर दोनों, जिस लोकेशन से दोनों एंड्स का डिस्टेंस क्या था? बराबर था। यस और नो जवाब दीजिए। यानी इधर से भी तीन वैल्यू कट गई, उधर से भी तीन वैल्यू कट गई, सेंटर में बचा क्या? जवाब दें। इधर से भी तीन वैल्यू कटी और उधर से भी तीन वैल्यू कटी, बिल्कुल मैं कहां पहुंच गया? वैल्यूज काटते काटते बेटा मैं सारे केस बता दूंगा, तुम टेंशन ना लो, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज कटते कटते क्या हुआ, हम कहां पहुंच गए बेटा? मिडिल में पहुंच गए। ऐसे ही है ना? तो हम जिस मिडिल वैल्यू पे पहुंचे वही असल में हमारा क्या है बेटा? मीडियन। यस और नो जवाब दीजिए। अच्छा अब एक और आपको चीज समझाता हूं, अगर आप समझना चाहें तो, ठीक है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये क्या है? अगर मैं इस तरह लिखता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये क्या है? इसको आप क्या बोलेंगे?
इसको कोई नाम तो देना आप, क्या बोलेंगे इसको आप? सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, सीक्वेंस कि सीक्वेंस के लिहाज से पहली वैल्यू, सीक्वेंस के लिहाज से दूसरी वैल्यू, सीक्वेंस के लिहाज से तीसरी वैल्यू, सीक्वेंस के लिहाज से चौथी वैल्यू, ऐसा बोलेंगे। अब अपने कैलकुलेटर पर आप इस सीक्वेंस का सम करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, बताइए आंसर क्या आता है। सीक्वेंस का सम कर दें सब लोग, सब लोग, सब लोग। सबने किया सीक्वेंस का सम, क्या आंसर है? 28 आंसर है भाई, सब बताइए। इसको डिवाइड बाय 7 कर दें, क्या आंसर आया? 4। क्या मतलब, क्या मतलब? क्या मतलब? नो बेटा, फोर्थ वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं? देखो, मीडियन की एक ऐसी डेफिनेशन देने जा रहा हूं जो किताब में नहीं लिखी हुई किसी भी, ठीक है? मीडियन की एक ऐसी डेफिनेशन देने जा रहा हूं जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई, कि मीडियन जो है, मीडियन इज अर्थमैटिक मीन। अभी तुमने क्या निकाला भाई? तुमने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 जो सम किया, 28 आंसर आया, डिवाइड बाय 7 कर दिया, आंसर 4 आ गया। तो मतलब तुमने क्या निकाला? अर्थमैटिक मीन। किसका? डेटा का, नहीं सीक्वेंस का। मीडियन इज अर्थमैटिक मीन ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेटा। अब्दुल्ला भाई क्या कहेंगे बताइए? कि मीडियन खुद तो अर्थमैटिक मीन नहीं है, लेकिन मीडियन अर्थमैटिक मीन है। डेटा का अर्थमैटिक मीन है? नो, डेटा के सीक्वेंस का अर्थमैटिक मीन, मतलब जो सीक्वेंस के लिहाज से जो अर्थमैटिक मीन होगा वही हमारा मीडियन होगा, समझे? तो मीडियन भी एक तरह से अर्थमैटिक मीन है, लेकिन डेटा का अर्थमैटिक मीन नहीं है, बल्कि डेटा के सीक्वेंस का अर्थमैटिक मीन। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आती है बेटा सब लोगों को? तो लिखने इसको जल्दी से, फिर मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ अनग्रुप का, वो जो इवन और ऑड वाला मसला है उसको भी हल कर लेते हैं। और अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि जुगाड़ काम नहीं करेगा हर जगह पर, तो जुगाड़ को काम करवाते हैं बस, और क्या मसला है? लिख चुके हैं, अच्छा जी। जिसको रिप्लेस कर दें 26 से तो एवरेज डेसिमल में होगी, तो भाई अभी तो एवरेज अर्थमेटिक मीन थोड़ी निकाल रहे हैं आप। 25 को रिप्लेस कर दें 26 से, सीक्वेंस पे क्या फर्क पड़ा? मीडियन सीक्वेंस के लिहाज से निकल रहा है, डेटा के सम से नहीं निकल रहा, वो अर्थमेटिक मीन में हो रहा होगा ऐसा। अभी हम अर्थमेटिक मीन थोड़ी निकाल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गौर करें, मिस्टेक्स ना करें।
क्या मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला है डेटा का? जवाब दीजिए। तो डेट मतलब यानी कि आप 25 को अगर 26 से रिप्लेस कर दें तो आपके अर्थमेटिक मीन पे फर्क पड़ेगा, आपके मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस के लिहाज से 17 चौथे नंबर पर आएगा, तो आपके डेटा का अर्थमेटिक मीन चेंज होगा, मीडियन चेंज नहीं होगा इस केस में। इस बात पर गौर करें। जवाब मिलेगा बेटा आपकी तरफ से। सीक्वेंस डेसिमल में कैसे हो सकती है आप बताइए। हाँ, सीक्वेंस डेसिमल में जब आएगी मतलब फर्स्ट वैल्यू के बाद सेकंड वैल्यू होगी। सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, डिस्क्रीट होती है ना, पहला दूसरा तीसरा, मैं बोलूंगा पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, ढाई नंबर पे आने वाला स्टूडेंट, कोई ढाई नंबर पे आने वाला स्टूडेंट होगा या तीसरे नंबर पे आने वाला स्टूडेंट होगा बताइए, जरा सोचिए लॉजिकली। सीक्वेंस का जो मीन है वो डेसिमल में जा सकता है, 0.5 में जा सकता है, वो अभी जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर आपके सामने। आप ऑब्जर्वेशन चेंज कर रही थी, मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, इस बात को समझे। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर टू, डेटा आपको दिया हुआ है 18, 22 27 5 10 28 30 11 16 35 बताइए बेटा कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसा ही है, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 10 ऑब्जर्वेशन क्या हुई, इवन हुई ऑड हुई? इवन हुई। तो खैर मैं तो बोल रहा हूं मैं इवन और ऑड के चक्कर में नहीं ले जाता आपको, लेकिन फिर भी अब आपको बड़ा बड़ी गौर से बात सुननी है। तो स्टेप वन क्या करना है, आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जरा आप लोग मुझे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा दीजिए। बताइए सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 5 है ना, 5 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 22 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 30 और 30 के बाद 35, ऐसा ही है, जवाब दें।
सही है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और ये टेंथ। यस और नो बोलिए। चलें पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कैंसिल वाले फॉर्मूले से। कैंसिल, फाइव कैंसिल, 35 कैंसिल, 10 कैंसिल, 30 कैंसिल, 11 कैंसिल, 28 कैंसिल, 16 कैंसिल, 27 कैंसिल, 18 कैंसिल, 22 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए डेटा के सेंटर में। ये वो पॉइंट है, ये वो लोकेशन है जहां पर हमारा मीडियन एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां तो सारी वैल्यू कट गई, यस और नो? जवाब दें। यानी आपका जो मीडियन है डेटा का, वो आपकी पांचवी और छठी वैल्यू के दरमियान। क्या ख्याल है आपका? जो मीडियन है वो आपकी पांचवी और छठी वैल्यू के दरमियान। ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज पे गौर कीजिएगा, बहुत काबिल है गौर बात करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। एक स्केल बना रहा हूं समझाने के लिए आपको। फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। डेटा की फिफ्थ वैल्यू क्या है बोलिए जरा आप सब लोग। एटीन। और डेटा की सिक्स्थ वैल्यू क्या है? तो अब 18 और 22 के दरमियान भी अच्छा खासा फासला मौजूद है, यस और नो? क्या कहेंगे आप? अगर उस फासले को डिस्क्रीट वे में कंटिन्यू किया जाए, देखो जरा बताना, 18 के बाद क्या आता है? 19। 19 के बाद क्या आता है बेटा? 20। 20 के बाद क्या आता है बेटा? 21। और फिर आएगा 22। तो अगर हम फिफ्थ और सिक्स के बिल्कुल बीच में आ जाएं, अगर हम फिफ्थ और सिक्स के बिल्कुल बीच में आ जाएं, तो हमें किस वैल्यू को मीडियन मानना चाहिए बेटा? हम 18 और 22 के बीच में से एक वैल्यू को मीडियन पिक करना चाहते हैं, तो किस वैल्यू को मीडियन पिक करें? 20 को। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन के लिए तो 18 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 21 आएगा और 22 आएगा। लेकिन सीक्वेंस के लिहाज से 5 के बाद तो 6 आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं 5 और 6 के दरमियान के डिफरेंस को तोड़ना चाहूं, तो कैसे तोड़ूंगा जरा देखना। तो फिर ये क्या हुआ जनाब? ये कहलाई 5.25 वैल्यू, ये कहलाई 5.5 वैल्यू, और ये कहलाई 5.75 वैल्यू। यस और नो? तो डेटा की अगर पांचवी वैल्यू क्या है? 18 है, तो 5.5 वैल्यू जो है वो 19 है, और 5.5 वैल्यू जो है वो 20 है, और 5.75 वैल्यू जो है वो क्या है? 21 है, और सिक्स वैल्यू क्या है? जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। आप सबको मैं इन डिटेल एक एक बात समझा रहा हूं। तो क्या ये तय हुआ मीडियन 20 है क्या नहीं है, बताइए। अभी तक हमने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, लेकिन क्या बताइए, आपके आपके दिल से आपको गवाही मिलती है कि मीडियन 20 है?
वो पांचवी और छठी वैल्यू के दरमियान है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, अब अप्लाई करते हैं फार्मूला। फार्मूला अप्लाई करने का वक्त आ गया। अच्छा जी, फार्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल्स टू व्हाट? एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टीएच वैल्यू। ठीक है, सही है, जवाब दें। तो हमने कहा जनाब कितनी ऑब्जर्वेशन थी? टेन, टेन प्लस वन डिवाइड बाय टू, जवाब दें। टेन प्लस वन इलेवन, इलेवन डिवाइड बाय टू, आंसर क्या आएगा? 5.5th वैल्यू, जवाब दीजिए। फॉर्मूला कह रहा है कि 5.5th वैल्यू आपका मीडियन है। रिस्पॉन्स दीजिए, प्रूव हुआ। अब बताओ क्या है 5.5th वैल्यू? ट्वेंटी है, लेकिन मैं उसको वर्कआउट कैसे करूंगा पेपर के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर? इसका मतलब क्या है? 5.5 से ये पता लगता है कि हमारा मीडियन जो है वो पांचवी और छठी वैल्यू के दरमियान है। फिफ्थ एंड सिक्स वैल्यू के दरमियान है। तो अगर आप फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स वैल्यू डिवाइड बाय टू करें, आप कैलकुलेटर पर टाइप कीजिए आप फाइव प्लस सिक्स, तो फाइव प्लस सिक्स भी क्या मिलेगा आपको? इलेवन मिलेगा बेटा, चेक करें और डिवाइड बाय टू करें तो फिफ्थ और सिक्स डिवाइड बाय टू, आंसर 5.5 आएगा। मतलब पांचवी और छठी वैल्यू का अगर हम निकाल लें अर्थमेटिक मीन, तो हमें क्या मिल जाएगा? मीडियन मिल जाएगा। तो पांचवी वैल्यू क्या है? 18 है। छठी वैल्यू क्या है? 22 है। 18 और 22 का सम कीजिए, आंसर बनेगा 40, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको क्या? 20। यस और नो? बोलिए बोलिए, शाबाश, बताइए, जवाब दीजिए बेटा। ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? अर्थमेटिक मीन निकालना सिंपल, दो जो जो दो वैल्यूज हैं उनके दरमियान ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? स्केलिंग तो आपको समझाने के लिए की है, स्केल आपको थोड़ी बनाना है हर बार। ये तो आपको समझाने के लिए बताया है कि हाँ भाई ये 18 और 22 दो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन है। तो इन डिटेल समझाने के लिए आप इतनी मेहनत की है। अब आप लोग थोड़ी करेंगे बार बार कि आप इसका स्केल बनाएंगे, टाइम क्यों लगेगा? जिन दो वैल्यूज के दरमियान आपका मीडियन है, उन दो वैल्यूज को प्लस करें, डिवाइड बाय टू कर दें, आंसर मिल जाएगा, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। टाइम क्यों लगेगा? ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, इसको एक और तरीका भी वर्कआउट करने का, एक और तरीका भी इसको वर्कआउट करने का, वो भी सीखेंगे और वो जरूरी है क्योंकि वो आगे और जगह भी काम आएगा हम। और वो तरीका कार क्या, जरा देखिएगा सब लोग। आप बोलेंगे मीडियन पांचवी वैल्यू से आगे है, ऐसे ही है, छठी वैल्यू से पहले। तो आपने बोला फिफ्थ वैल्यू, बेटा अगर 18 के बाद वाली वैल्यू 23 हो तो यार जाहिर सी बात है 18 प्लस 23 डिवाइड बाय 2, मेरे बच्चे क्या टेंशन है, दोनों के सेंटर में आना ना बेटा। 18 प्लस 23 डिवाइड बाय 2, मिड क्लास निकालनी है। मतलब जो दो वैल्यूज हैं
लोअर और अपर लिमिट उनके दरमियान अगर बिल्कुल मीडियन कंटिन्यूस, मैंने कब बोला सिर्फ डिस्क, एवरेजेस तो बच्चे होती ही कंटिन्यूअस है, सही है ना, एवरेजेस तो होती ही कंटिन्यूअस। अच्छा जी, फिफ्थ वैल्यू, यानी मुझे करना क्या है, ये देखो मैं जो समझा रहा हूं बात, इससे सब डाइवर्ट होता हो गया। मुझे फिफ्थ वैल्यू से आगे जाना है, क्यों मुझे फिफ्थ वैल्यू से आगे क्यों जाना है, मुझे पांचवी वैल्यू में कुछ प्लस करना है। पर रिस्पॉन्स करो भाई, क्यों, क्योंकि फिफ्थ वैल्यू मेरे लिए मीडियन नहीं है, मुझे फिफ्थ वैल्यू से आगे जाना है। सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। अच्छा जी, अब गौर करना, फिफ्थ वैल्यू क्या है, 18 है, 18 से मुझे आगे जाना है तो प्लस किया मैंने, सिक्स वैल्यू मेरे पास 22 है, माइनस अगर कर दूं इसमें तो क्या 18, तो जरा बताइए अगर मैं 22 में से 18 माइनस करूं तो आंसर क्या होगा, सब लोग बताइए, अगर मैं 22 में से 18 माइनस करूं तो क्या होगा, चार आंसर आएगा ना, और अगर मैं 18 में चार प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, तो अगर 18 में चार प्लस करना, प्लीज अगर 18 में चार प्लस करना पांचवी वैल्यू को छठी वैल्यू बनाने के बराबर है, तो मुझे 18 में चार प्लस नहीं करना चाहिए ना, मुझे उसका हाफ प्लस करना चाहिए, यस और नो, अगर 18 में चार प्लस करने से 22 आता है तो 22 तो सिक्स वैल्यू है, क्या मुझे सिक्स वैल्यू चाहिए, नहीं मुझे तो 5.5 वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करूंगा मैं 22 और 18 के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 से, तो जब मैंने 22 और 18 के डिफरेंस 4 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो ये क्या हो गया, ये 18 प्लस 2 हो गया और ये आंसर मेरे पास क्या आ गया, 20 आ गया। जवाब दो बेटा, रिस्पॉन्स करें लाजमी, रिस्पॉन्स करें लाजमी, यानी 18 में चार प्लस करने से सीक्वेंस में मैं पांचवी से छठी वाली पाता हूं, तो 18 में से 18 से 18 में चार वैल्यूज प्लस करने से 18, 19, 20, 21, 22, 18 में चार वैल्यूज प्लस करने से मैं 22 पे पहुंच जाता हूं, तो मुझे चार वैल्यूज प्लस नहीं करनी, मुझे उसका हाफ प्लस करना है, हाफ, तो चार का हाफ क्या बनेगा, 2 बनेगा, जब 2 प्लस करूंगा तो 18 प्लस 1 19 प्लस 1 20, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 5.5 वैल्यू पर। ये स्केल पहले ही बना देता आपके सामने ताकि आप इस बात को समझ सके, तो जो मैंने आखिरी फार्मूला किया ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये और जगह भी काम आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे जनाब कि अर्थमेटिक मीन वाला सिस्टम ज्यादा आसान है, लेकिन जो फार्मूला मैंने आखिर में बताया है इसको भी आपने रखना ध्यान में। और ये 0.5 हमने कहां से पिक किया है, ये जो हमारे आंसर में आएगा ना, ये जो आया 0.5 ये हमने यहां से उठाया है, तो हम मल्टीप्लाई जिस वैल्यू से करेंगे वो आंसर में होगा हमारे, मतलब अगर आगे कुछ चीजें और भी आएंगी हमारे पास, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, तो वहां पर अगर आंसर 5.75 आता तो हम 0.75 उठा लेंगे, अगर आंसर 5.25 आता तो हम 0.25 उठा लेंगे, यानी 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको, लेकिन खैर मीडियन में तो हमेशा 0.5 ही आएगा आपके पास, अगर आएगा तो, अगर डेटा इवन हुआ तो, ऑड हुआ तो आपको डायरेक्ट वैल्यू डेटा में से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम बातें आपके सामने, आप बताइए इसमें क्या परेशानी है, ये मीडियन का टॉपिक भी आपसे कवर कर दिया गया, आप इसके ग्रुप डेटा पे बात करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे, तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा, सब लोग करेंगे सॉल्व, तो अनग्रुप डेटा के सारे क्वेश्चन वही जो आप पहले कर चुके हैं, अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन सारे 6 से लेकर कहां तक बेटा 13 तक, 6 to 13 अनग्रुप डेटा के सारे क्वेश्चन आप करें और उसका क्या वर्कआउट कर लें आप, मीडियन वर्कआउट कर लें, ओके। तो यहां तक हम स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी सारी बातें होंगी अगली क्लास में, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।